हिंदू युवा वाहिनी के दावों को बड़ा झटका लगा। रायबरेली पुलिस ने इस मामले में 6 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया और बता दें कि गिरफ्तार के बाद दावा किया गया कि अभी तक की पूछताछ में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे। वही सरोन विधायक अशोक कौरी और हिंदू युवा वाहिनी ने दावा किया है कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का उनके कलेक्शन है। वही देश विरोधी गतिविधियों के लिए इन्हें बनाया जा रहा और SP रायबरेली के मुताबिक ATS और वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, बहराइच और प्रयागराज के फील्ड यूनिट में भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गहन जांच के बाद 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। इसको लेकर एक प्रेस वार्ता भी की। आइए। 17 जुलाई 2024 को थाना सलोन में ग्राम विकास अधिकारी की मृत्यु और जन्म ID पासवर्ड से अत्यधिक संख्या के संदर्भ में थाना सलोन पर 327/24, धारा 318, 319, 336, 340, 337, 338 BNS पंजीकृत हुआ था। आप लोग अवगत हैं कि उक्त अभियोग में 4 अभियुक्तगण विजय सिंह यादव, जीशान खान, सुहेल और रियाज खान को थाना सलोन की पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। घटना की संवेदनशीलता को लेकर के ATS से भी सहयोग लिया गया था। उसी के क्रम में आज कार्रवाई हुई है। उच्च अधिकारी के निर्देश पर UP ATS द्वारा अपने जितने भी फील्ड यूनिट्स हैं उनको अलर्ट किया गया था और उनकी ऑप्स टीम द्वारा भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संबंध में गहनता से संदिग्ध व्यक्तियों की पूछताछ की जा रही थी। फील्ड यूनिट वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, अयोध्या, बहराइच, प्रयागराज, इन सभी टीम द्वारा विभिन्न पोर्टल के जो जन्म प्रमाण पत्र हैं उनकी संलिप्तता के आधार पर उन्हें ATS मुख्यालय लाया गया। उनसे पूछताछ की गई और जब गहनता से पूछताछ की गई तो 6 अभियुक्त हैं उनको हिरासत में लिया गया है। इनका विवरण, गोविंद केशरी जो सोनभद्र के निवासी हैं, आकाश कसौधन ये जनसंत कबीर नगर के हैं, सलमान अली ये गोरखपुर के हैं, संजीव सिंह ये कुशीनगर के हैं, वैभव उपाध्याय प्रतापगढ़ के और शाहनवाज मुरादाबाद। इनके पास से टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सब बरामद किए गए। अभियुक्तों ने पूछताछ में यह बात बताया है कि वे सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट हैं और जब भी किसी व्यक्ति को कोई जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या कोई भी सरकारी योजना का लाभ लेना रहता था तो वो उसी व्हाट्सएप ग्रुप में उनका नाम, पिताजी का नाम आदि डाल देते थे और ग्रुप में जितने भी व्यक्ति हैं जो इसमें जुड़े हुए थे वो लोग एक संगठित तरीके से अपराध करते थे और ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा उनको लॉगिन ID पासवर्ड है वो भी निर्गत कर दिया जाता था। ज़्यादातर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अपनी जो लॉगिन ID और पासवर्ड है वो या तो खुद इस्तेमाल करते थे या CSC संचालक है उनको डेलीगेट कर दिया जाता था। इसी कारण भारी मात्रा में लूट और फर्जी प्रमाण पत्र हैं ये सब जारी हुए हैं। इन अभियुक्तों ने यह भी बताया है कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनका विवरण crss.org.gov.com है, www.birthnet.com है आदि हैं। इनसे भी QR कोड के माध्यम से डेटा भर करके फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र यह निर्गत किए जा रहे थे। ग्राम विकास अधिकारी एवं फर्जी वेबसाइट से बने जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से ये लोग आधार कार्ड में संशोधन भी करते थे। प्रथम दृष्टया अब तक की जांच में यह प्रतीत हो रहा है कि अधिकांश फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग जन्म प्रमाण में हेरफेर कर सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में अनुचित लाभ प्रमाण पाने के लिए किया जा रहा था और ये महत्वपूर्ण फर्जी दस्तावेज जारी कराने हेतु इसका प्रयोग किया जा रहा था। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और इन्हें आज जेल भेजा जा रहा है। यह अत्यंत ही गंभीर प्रकरण है और सुरक्षा के पहलू में लगातार ही
भविष्य में भी एटीएस द्वारा इसकी जांच की जाएगी और आज एटीएस और जनपदी पुलिस द्वारा 6 अभियुक्तगण है उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। जो लोग पकड़े गए कहाँ से पकड़े गए? ये सारे लोग जो 6 लोग पकड़े गए हैं एटीएस मुख्यालय के द्वारा इनसे पूछताछ की गई, उसी के बाद इनको हिरासत में लिया गया। सर क्या अभी ये जो जितने भी पकड़े गए इसमें जो देश विरोधी गतिविधियां जिनकी चर्चा विभिन्न मीडिया सोशल में आ रहा है अभी तक वो मामला आया कि? जैसे कि हमने आप लोगों को बताया है अब तक की जांच में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ लेने के उद्देश्य से और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के उद्देश्य से यह कार्य किया जा रहा था। बाकी विवेचना प्रचलित है और इन सभी बिंदुओं में भी जांच की जा रही है।